नमस्कार, सीजी संतोषी डिसेशन लोकसुमी, आप सभी का स्वागत है। आज लेकर आई हूँ मैं साबूदाना और केले की चकली की रेसिपी, और इसे बनाना बहुत ही आसान है, खाने में भी बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। तो चलिए फ्रेंड्स, बना लेते हैं चकली। तो यहाँ पर देखिए, मैंने दो कच्चे केले लिया है और एक बड़ा सा आलू। तो इसको मैंने कुकर में अच्छे से उबाल ली हूँ और इसके छिलके को निकाल देते हैं केले के, आलू को भी छील लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, मैंने केले और आलू को छील ली हूँ और इसको कद्दूकस कर लेते हैं। आप चाहे तो इसे हाथ से भी अच्छे से मसल भी सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, मैंने आलू केले को अच्छे से कद्दूकस कर ली हूँ। और यहाँ पर देखिए, मैंने एक कटोरी साबूदाना भिगाई थी एक डेढ़ घंटा पहले और अच्छे से भीग गया है, देखिए। तो यहाँ पर मैंने गैस में कढ़ाई रख दी हूँ, कढ़ाई गर्म हो गया है। तो अब इसमें डाल देते हैं पानी। मैंने यहाँ पर लिया है आधा गिलास पानी। और इसमें डाल देते हैं साबूदाना। तो साबूदाना को अच्छे से पका लेंगे और गैस की आंच को कम ही रखना है और चम्मच चलाते हुए इसको पका लेना है। साबूदाना चकली को आप केले के साथ भी बना सकते हैं, आलू के साथ भी बना सकते हैं, अलग अलग। मैंने मिक्स कर दी हूँ, मिक्स करके बना रही हूँ और स्वाद में कोई फ़र्क नहीं आता है। और इसमें मैं डाल दी हूँ थोड़ा सा जीरा। यहाँ पर अपने हिसाब से आप इसमें मसाला मिला सकते हैं। देखिए, साबूदाना पक गया है, इसको थोड़ा सा ही और पका लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, साबूदाना अच्छे से पक गया है। तो अब मैं गैस को कर देती हूँ बंद। और यहाँ पर देखिए, मैंने नीचे में उतार ली हूँ। अब इसमें मिला देते हैं आलू और केले कद्दूकस की हूँ उसको। ये सारी चीज़ों को अच्छे से मिला लेंगे। और यहाँ पे मैं मिला दे रही हूँ नमक। अगर आप लोग व्रत के लिए बना रहे हैं तो आप इसमें सेंधा नमक ले सकते हैं। यहाँ पे मैंने मिला दी हूँ कलर, हरा वाला फूड कलर। अगर आप इसे बिना कलर का भी बना सकते हैं। तो ये सारी चीज़ों को अच्छे से मिला लेंगे। अगर आप तीखा खाना पसंद करते हो तो आप इसमें लाल मिर्ची भी मिला सकते हैं। हरा मिर्ची भी मिलाकर बना सकते हैं इसमें। तो सारी चीज़ों को अच्छे से मिला लेंगे। देखिए, सारी चीज़ें अच्छे से मिल गई है। तो अब इसका बना लेते हैं मोर को। तो यहाँ पे मैंने थाली ली हूँ, थाली में मैं तेल लगा दे रही हूँ। इसे पॉलीथीन में भी बना सकते हैं, उसमें भी बहुत आसानी से मोर को निकल जाता है। तो यहाँ पर लिया है मैंने मोर को बनाने का सांचा। तो इसमें मैं तेल लगा देती हूँ। हाथ में थोड़ा सा तेल लगाकर इसको सांचे में भर लेंगे थोड़ा थोड़ा करके। और इसे आप बनाकर इसे स्टोर करके भी रख सकते हैं, इसे चाय के साथ शाम के नाश्ते में खा सकते हैं। और बहुत ही स्वादिष्ट, बहुत ही कुरकुरा बनता है। सांचे में भर लेंगे।
वो ढक्कन लगा देते हैं इसमें। इसका गोल गोल चकली बना लेते हैं। इस प्रकार से घुमाते हुए बहुत आसानी से बन जाता है चकली। और धूप भी अभी तेज है तो इसे सुखाने में भी ज़्यादा समय नहीं लगेगा, 2 दिन की धूप में ही अच्छे से सूख जाएगा। इस प्रकार से सारे चकली को बना लेंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने आटे का थैला है, ये तो आटे के थैले में मैं इसमें तेल लगा दे रही हूँ, उसमें भी बना लेता हूँ बचे हुए चकली को, इसमें बना लेंगे। तो देखिए हमारा सारा चकली बन गया है, चलिए फिर इसे सुखा लेते हैं धूप में। तो यहाँ पर देखिए धूप में अच्छे से सूख गया है चकली। देखिए मैं इसे 2 दिन की धूप में सुखाई हूँ। और यहाँ पे मैंने, चलिए तल के दिखा देते हैं। और यहाँ पे मैंने तलने के लिए कढ़ाई में तेल गर्म करने के लिए रख दिया है, तो तेल अच्छे से गर्म हो गया है, तो इसमें चकली को तल लेते हैं। इसको अच्छे से गर्म ही तेल में तल लेना है। यहाँ पे मैंने डाल देती हूँ चकली। तो देखिए यहाँ पे चकली बनकर हो गया है तैयार खाने के लिए। अब इसे चाय के साथ खा सकते हैं, ऐसे भी खा सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगता है और बनाने में भी ज़्यादा समय नहीं लगता है। देखिए तलने के बाद कितना बड़ा बड़ा चकली बन रहा है। तो रेसिपी थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो आप लोगों को तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए।